Now the another example that ELF plus ELF is equal to F double OL. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चेक ELFUV. ओके, नाउ सॉल्विंग रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ डिडक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट सॉल्विंग रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ डिडक्शन. रिमेंबर दैट एंड बेसिकली अ लिटिल बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑल्सो. कीप इन माइंड दैट ट्रायल एंड एरर, बिकॉज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है जो लेटर्स है आपको डिजिट्स रिप्रेजेंट करना है तो ट्रायल एंड एरर इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ डिजिट्स बाय लेटर्स. ओके, सो द की हेयर इज टू अंडरस्टैंड बेसिक अरिथमेटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ डिडक्शन एंड ट्रायल एंड एरर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक अरिथमेटिक्स लाइक. सो इसे भी हम जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह इसे भी हम स्टार्ट करते हैं. लाइक एफ से स्टार्ट करेंगे, देन यस टेल मी एफ मस्ट बी इक्वल टू वन डेफिनेटली, बिकॉज जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते. एंड किन्हीं भी दो डिजिट को अगर आप ऐड करते हो 0 to 9 किन्हीं भी दो, जैसे मैक्सिमम मैंने करके दिखाया था 9, 8 को 17, देन यू कैन नॉट जनरेट कैरी विच इज इक्वल टू 2. ऑलवेज यू कैन जनरेट अ कैरी विच इज equal to 1. So in colon 4, that is the colon 4, the colon 3, colon 2, colon 1, colon ke according se hum check karte colon 4, 3, 2 and 1. Okay, so the in colon 4 f is equal to 1 because that's the only possible carry from 2 single digit number. Okay, clear hai ye baat ki 2 single digit number se ek carry 1 hi aap generate kar sakte ho, or we can say that the only possible carry from two single digit numbers. Now in column 1, if we are talking about column 1, the 2f add together equal to l. 2f ko maine add kiya and that are equal to l. So what is the optimum results here? Optimum results ka matlab ki aapne 0 to 9 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने कंसीडर किया. एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एल, तो एफ प्लस एफ आप 0 + 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल. 0 + 0 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज इफ यू आर असाइनिंग द वैल्यू एफ इज इक्वल टू 0, देन हाउ कैन यू असाइन एल इज इक्वल टू 0? बिकॉज एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट इफ यू आर असाइनिंग अ डिजिट टू एनी ऑफ द लेटर देन यू कैन नॉट असाइन द सेम डिजिट टू एनी अदर लेटर. सो जीरो जो कंसेप्ट है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज वन, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. सो कैन वी रिप्रेजेंट एफ बाय 1 एंड एल बाय 2? यस वी कैन. सो 1 इज एफ एंड एल इज 2, सो 1 + 1 इज 2 एंड एफ इज ऑलवेज 1. सो हमें बेसिकली हमने एफ को ये हमने चेक नहीं किया, हमें ये देखने की भी नीड नहीं थी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी असाइन एफ इज इक्वल टू 1 एंड एफ इज इक्वल टू 1, 1 एंड 2. ओके, सो एल 2 एंड 2 दैट इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ओ हेयर? 4. सो 4 अगेन हेयर ओ का है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा. नाउ टेल मी ई प्लस ई दैट इक्वल टू ओ, देन ई प्लस ई दैट इक्वल टू ओ, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? ई प्लस ई जो है वो ओ के इक्वल कैसे हो सकता है? यस, ई प्लस ई दैट सेम डिजिट्स हैं यहाँ पे. यस, सो इन कॉलम 2 दैट द 2 एल्स एड ओके टुगेदर इक्वल टू ओ और 0. नाउ इन कॉलम 3 वी नो दैट सम इज 14. किस तरीके से हो सकता है ई प्लस ई इज इक्वल टू 4? इफ सम ऑफ e प्लस ई इज इक्वल टू 14, तभी तो आपका ये जो नंबर है यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा एंड द कैरी 1 कैरी फॉरवर्ड होगी और वो आपकी f के अंदर कंसिडर की जाएगी. सो o तो है हमारा 4 एंड वी हैव f इज इक्वल टू 1 एंड सो e इज अ वैल्यू डेट एडेड टू इट सेल्फ इक्वल टू 14, देयर फॉर रिजल्ट इज 7. सो 7 + 7 इज 14 एंड द 1 कैरी जनरेट and that is considered to be as f. So e and e 7.
यू कैन चेक द मैथमेटिकल इक्वेशन 1 and 1 2, 2 into 4, 7 14 एंड 5. ओके नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल दैट ईट प्लस दैट इज इक्वल टू एप्पल. ओके चलो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम. दैट 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट वी आर असाइनिंग द वैल्यू ए इज इक्वल टू 1. वी कैन नॉट असाइन ए इज इक्वल टू 0. वी कैन नॉट असाइन ए इज 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके सो असाइनिंग ए इज इक्वल टू 1, हमने इसे 1 से असाइन किया, सो दैट इज ए. ओके नाउ ध्यान से देखना, ये दैट टी के नीचे ए डबल पी है, ये ए इज नॉट दैट ई ए टी 3 letters, टी एच ए टी 4 letters, ए डबल पी एल ई 5 letters. ए को हमने इसे असाइन किया. इस क्वेश्चन को दोबारा से क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो. टी एच ए टी डेट ए डबल पी एल ई. सो ए इज असाइन टू बी एज इक्वल टू 1. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्दर द कॉलन 4, दैट इज द कॉलन 1, एंड सिमिलरली ए एंड ए, तो ए 1 एंड 1 दैट इज इक्वल टू 2, देन वी हैव ऑल्सो फाइंड द वैल्यू एल दैट इज इक्वल टू 2. नो रिमेंबर दैट अगर आपने ए की वैल्यू 1 एंड 1 2 आपने ये लिखा, देन इट ये गलत भी हो सकता है आपका. वाई? बिकॉज आपके पास यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड भी तो होगा. कैरी फॉरवर्ड होगा, जरूरी नहीं है, बट आप चेक करोगे. इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट ऑलवेज यू कैन फॉरवर्ड देयर इज एन कैरी जनरेटेड बाय एनी ऑफ द कॉलन, बट आपको वो चेक करना है. सो फिर से हम कॉलन 4 की तरफ आते हैं. देन इन कॉलन 4 देयर इज अ टी. टी के अंदर आप कुछ ऐड करेंगे, दैट कैरी ऐड करेंगे, तभी आपके पास पी जनरेट होगा यहाँ पे. तो टी को आप क्या कंसिडर कर सकते हो? टी इज द मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम डिजिट इन 0 to 9. टी मस्ट बी द मैक्सिमम फ्रॉम 0 to 9. तो 0 to 9 से टी को मैक्सिमम किया, देन दैट इज इक्वल टू टी. तो टी की वैल्यू आई हमारे पास 9. ठीक है 9. सो इट मीन्स टी एंड टी इज 9. T is 9 here and T is 9 9 and 18, so E must be equal to 8, and the 1 carry generate that carry forward, the 1 carry generate we. Now what is the value of A is 1, what is the value of A is 1, the 1 1 1, that is equal to 3. So 3 generated by L, that is equal to T, and E is 8. Now we have assigned 1, 3, 8 and 9 to the letters. Now we know that E is 8. Again E is equal to 8. Now what is the value of H that we have to find the value of P? H ki value kya honi chahiye jo main P mein mile, and similarly wahi P T ke below bhi hai. So definitely we know that if A is, H is 0. H अगर 0 होगा, देन अगर यहाँ से हम देखें स्टार्टिंग टू एंड, H इफ H इज इक्वल टू 0, इट मीन्स E प्लस H, दैट इज मीन्स 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8. सो यहाँ पे P की प्लेस पे E आना चाहिए था, सो 0 इज नॉट एप्लीकेबल हेयर. नाउ 1 वी हैव ऑलरेडी असाइन टू A. नाउ 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, 0 हेयर एंड 1 कैरी फॉरवर्ड. वन कैरी फॉरवर्ड हुई यहाँ पे. सो वन कैरी प्लस वट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज 9, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 10. तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो वो पी यहाँ पे भी आ गया हमारा, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई. इट मीन्स ई प्लस एच इज इक्वल टू पी, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 0 इसे किया, 1 कैरी फॉरवर्ड, देन टी प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अगेन, दैट इज इक्वल टू पी. और यही टी क्या था, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, और ये कैरी फॉरवर्ड आई, दैट इज इक्वल टू 8. इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी फॉलोअप कर सकते हैं. फर्दर सम और एग्जांपल्स देखेंगे इसी से रिलेटेड फॉर योर क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं फॉर सेल्फ असेसमेंट. नाउ ट्राई योर सेल्फ, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर हेयर. सेंड प्लस मोर मनी, अर्थ एयर फायर वाटर इज नेचर, 5, 5, 9, 11, 30,
नौगन्नो हंट JGAUSSRIESEUKLID. Try the questions yourself, and if you find the solution of the questions or the answer of the question, just follow quantapty.com. And if you have any query regarding the cryptarithmetic problems, then you can write us on aptiquant@gmail.com. You can like our Facebook page that named quantapty, or just subscribe.